जवा से बड़ी खबर। चांदी गांव में 7 वर्ष के बच्चे का हुआ एक्सीडेंट, मौके पर हुई मौत। परिजनों ने शव रख कर किया चक्का जाम, घंटों तक लगा रहा लंबा जाम। आरोपी एवं बुलेट पर ग्रामीणों ने पकड़ा किया प्रशासन के हवाले। मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, परिजनों को काफी समझाइश के बाद खुलवाया गया जाम। SDM द्वारा परिजनों को 15,000 की सहायता राशि देने का दिया गया आश्वासन। हम बात कर रहे हैं जवा थाना अंतर्गत चांदी गांव में, जहां तकरीबन 4:30 बजे के करीब बच्चा सड़क पार कर रहा था। तभी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बुलेट में 3 लोग सवार थे। काफ़ी तेज़ रफ्तार बुलेट ने राजवीर सोनकर, पिता अरविंद सोनकर के लड़के की उम्र लगभग 7 वर्ष बताई जा रही है, बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों एवं ग्रामीण लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। घंटों लगा रहा जाम, परिजन मानने को तैयार नहीं थे। घटनास्थल पर SDM त्योथर एवं चंद्रमणि सोनी, तहसीलदार जवा समरजीत सिंह, SDOP त्योथर, जवा थाना प्रभारी तेजबान सिंह, प्रदीप सिंह जने थाना प्रभारी मौजूद रहे। काफ़ी समझाइश के बाद परिजनों ने बात को स्वीकार किया और जाम को खोल दिया। मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम आशीष कुमार सिंह, पिता राज नारायण सिंह, निवासी टिकरी मजगवा। पटेल जय सिंह, पिता राम स्नेही सिंह, निवासी देवर या चौकड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा घटनास्थल पर मार्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है। परिजनों के द्वारा शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से जिला रिपोर्टर धनेंद्र तिवारी के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम दयानंद वर्मा है जी। मैं तो, का निवासी हूँ जी। जी तो कैसे घटना हुई ये घटना? लड़का, छोटा सा लड़का, उनकी माँ चारा काटने गई थी जी। लड़का गांव से निकल कर ही वहाँ मम्मी के पास जाने के लिए सोच रहा था जी। तो यहाँ जैसे निकला उधर से काफी तेज बाइक चला कर आ रहे है जी। तो आगे साइड से, उधर साइड से जी। ये आपका बुलेट था जी। बुलेट काफी तेज रफ्तार से चलाते हुए आए और लड़का वहाँ से निकला। उनको ब्रेक मारना चाहिए लेकिन उनकी घोर लापरवाही, उनकी मोटरसाइकिल वालों की घोर लापरवाही की बदौलत लड़के के ठोकर लगता है, उनके सर पे चोट लगता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब जो आरोपी थे बाइक से जिनके द्वारा एक्सीडेंट किया गया, क्या उनको पकड़ लिया गया है? उनको पकड़ लिया गया है, वो भी घटनास्थल पे मौजूद है, उनको रखा गया है। उनके साथ कोई मारपीट का वारदात नहीं किया गया है, वो सेफ है। पुलिस प्रशासन भी लगभग लेट से ही आई लेकिन आई, पुलिस प्रशासन भी आ गई, अब वो सेफ है जी। तो पुलिस प्रशासन आपके सूचना देने पर वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं, है ना, मुआयना कर रही है।